I have no idea. Social media sometimes have a lot of answers. So I think usi platform pe aap answers dhoond lijiye, you might get it. I'm very happy that ki insaan na zindagi mein ya to bahut प्यार कमाता है या तो बहुत पैसा कमाता है या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है. मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था. तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज. पर मैं कहीं गिरी नहीं. मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया. जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही. हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी. और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं वन ऑन वन भी करती थी. ऐसे दैट्स फाइन. यस, जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके एक दो दिन पहले हमारी बातें हुई थी एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम. क्योंकि ये घर में जब हम थे, हमने ऐसे ही अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग. आई रियली विश हिम अ बिग 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 सक्सेस दैट ही रियली डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ. अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है, बट आई फील इट इज़ समथिंग. ऑलवेज पीआरशिप इज़ पब्लिक रिलेशनशिप और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है. कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो. सो कूडोज व्हाट यू गाइस डू, रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी पीआर भी करती है. सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं, आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा. सो देर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन जी टी वी. प्लीज़ फॉलो इट इफ पॉसिबल. होली की ढेर सारी बधाइयाँ, रंग बिखेरे, रंग अपनी जिंदगी में भी लाए. बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली. आर यू सीरियस? वो देखो कौन छिपा है वहाँ. Come here. छुप क्यों रहा है बे? अच्छा, मुझे सुना ही नहीं दिया. Sorry. I love you too, आमिर. मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ. आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ. ओ गर्ल यू माइंड. और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना, क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था. तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस. आई वॉज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है. थैंक यू. वेरी क्विक वेरी क्विक वेरी क्विक वेरी क्विक. मैं तो बात नहीं करूँगा. जी, आई लव रवि. इनफैक्ट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर इन टेलीविजन आई हैव एक्टेड एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हिम. जी जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है. आई वर्क विथ हिम इन हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन एक्टर. वो प्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त एंड रवि अधिकारी आई एम श्योर हैज डन अ सुपर्ब जॉब. द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. रश्मि, आई लव हर. वी शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड
वी नोन ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम बहुत सालों से दोस्त हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. जी 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 मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में. कुछ कहना चाहेंगे क्या सच्चाई है? आई जस्ट कम फॉर बीट परिंदे एंड पतंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर अभी. थैंक यू थैंक यू. साथ में विजुअल अनुसार रुकिए किशन देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकर अधिकारी साहब को. आई थिंक भीट पतंग ये यू नो इट्स ऑन वेब विच इज द फ्यूचर. वेब इज डेफिनेटली द फ्यूचर एंड मैं खास करके इसलिए आया बिकॉज ऑफ मरकंड जी एंड अनफॉर्चुनेटली गौतम भाई अब नहीं रहे, उनका बेटा रवि है और कैलाश हु इज द प्रोड्यूसर. आई वॉन्ट टू विश कैलाश एंड रवि बोथ ऑफ देम सुपर सक्सेस इन भीट पतंगे एंड बीइंग अ वेब सीरीज. आई एम श्योर उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई होगी. वेब इज द फ्यूचर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म. आई बिलीव इट्स अ स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑन अ ट्रैवल और ये ऑब्वियसली इज द न्यू आइडिया, सो इट विल बी फन टू वॉच इट. नहीं कमी नहीं, आई थिंक जैसा वक्त बदलता है नई नई चीज़ें आती हैं, पीपल वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. और अच्छी बात है अगर आप पुराने पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गानों को सुना नहीं था वो सुनते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं, विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली और अगर वही कंपोज़र करे जिसने गाना, अगर वो है और वो कंपोज़र से करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. भीट पतंगे के लिए मैं आया हूँ. हाँ चलो गा देते, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली. रवि और रुबैना जो प्रोड्यूसर और रवि अधिकारी जो डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और मैंने फिल्म देखी है पहले एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड द एंटायर अधिकारी फैमिली. बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, सेंसिटिव, इमोशनल एंड लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट इन इट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत टैलेंटेड बंच है, न्यू पीपल, बट चंदन इज लाइक माई फेवरेट. आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. शिविन, प्रिया, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट इन वॉट दे हैव अचीव्ड इन द फिल्म एंड आई जस्ट वॉन्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. देखिए मैं बहुत ज़रूरी काम से बीच में आया हूँ
और उससे समझा जा सकता है कि कितना इसको देखने का इसको देखने की चाह है, उत्सुकता है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढीठ पतंग है। तो अब देखिए क्या कहूँ मैं, पतंगे जल जाते हैं।